हेलो, वेलकम टू मनीषा'स किचन। आज हम बनाएंगे नटेला मिल्कशेक और इसकी पूरी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नटेला मिल्कशेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वनीला आइसक्रीम, आइस क्यूब्स, चोको चिप्स, पानी, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, शुगर। ये नटेला है, एकदम चिल्ड मिल्क है। ये मिल्क थोड़ा थोड़ा सा इसमें से बर्फ जैसे ऐसे जम जाने चाहिए। मिल्क पाउडर, चॉकलेट सॉस और चोको पाउडर। सबसे पहले हम इंस्टेंट कॉफ़ी लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको हम एक मिक्सर जार में डालेंगे। ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, मैंने यहाँ पर वो ब्रू का जो इंस्टेंट कॉफ़ी आता है वो लिया है। अब इसमें हम एकदम ठंडा मिल्क डालेंगे। आइस क्यूब डालेंगे, और पाउडर शुगर डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे। एकदम ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसमें अभी मिल्क पाउडर डालेंगे। ये मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही क्रीमी इफेक्ट आता है। अब इसको चर्न कर लेंगे एक मिनट। इसमें चॉकलेट सॉस भी डालना है जो मैं भूल गई थी। इसको बहुत ज्यादा चर्न नहीं करना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। खोल लेंगे और खोल के इसमें ये वनीला आइसक्रीम डाल देंगे। और नटेला डाल देंगे। आइसक्रीम और नटेला डाल के हम वापस से इसको चर्न कर लेंगे। इसको बहुत थोड़ा ही चर्न करना है, तो इसमें अच्छा सा फोमी इफेक्ट भी रहेगा और इसमें ये थिन भी नहीं होगा, पीने में एकदम टाइट लगेगा। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने ग्लास लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा नटेला डाल के ऐसे गार्निश कर लेती हूँ। इसमें हम कोल्ड कॉफी डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा चोको चिप्स ये भी डाल देंगे तो अच्छा लगेगा उसको। ये हमारा नटेला कोल्ड कॉफी बन के रेडी है।